वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पोहे का ऐसा क्रिस्पी सा नाश्ता कि आप एक बार बनाओगे तो मूंग की दाल वाले मंगोड़े भूल जाओगे। पोहे का क्रिस्पी सा नाश्ता बनाने के लिए हमने पोहा लिया है जो नॉर्मल घरों में मिल जाता है हमें आसानी से, जो हम घर पे पोहा बनाते हैं ना वही वाला हमने ये पोहा लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम दो तीन बार पानी से अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। पोहे को हमने दो तीन बार पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए फुलाने के लिए रख देंगे। पर इसमें अभी हम फुलाने के लिए अभी नहीं रखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम दही। दही डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें हम पानी। पानी ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये ना बहुत यूनिक होने वाला है नाश्ता, बहुत क्रिस्पी बनेगा। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए फुलाने के लिए रख देंगे। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया इसको 10 मिनट के लिए, अब इसको हम फुलाने के लिए रख देंगे। पोहे को 10 मिनट हो चुकी है, अच्छी तरीके से फूल चुका है, दही को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा थोड़ा बाउल छोटा है, दूसरे बाउल में इसको डालेंगे हम। इसको हमने दूसरे बाउल में डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरी मिर्च, एक लहसुन, प्याज कटी हुई, प्याज डाल दी कटी हुई, ये कद्दूकस किया हुआ एक आलू लिया था हमने वो डाल देंगे इसमें अच्छे तरीके से। दही हमने थोड़ा खट्टा वाला ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, व्हाइटनिंग के लिए इसमें बेसन डालेंगे। बेसन हमें ज्यादा ऐड नहीं करना है, फिर ज्यादा ऐड करेंगे तो फिर बेसन का ही फ्लेवर आएगा, इसीलिए हमें ज्यादा बेसन ऐड नहीं करना है। दो से तीन साढ़े तीन चम्मच के करीब हमने बेसन डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के लिए हम थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा डालेंगे थोड़ा सा, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, जितना आपको स्वाद हो उतना नमक ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसमें हम मिक्स करेंगे। ये नाश्ता ना क्रिस्पी सा बरसात के टाइम पे बना लो ना, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। सुबह बनाओ, सुबह भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब क्या करेंगे, हमने इसको मिक्स कर दिया है, थोड़ा इसमें क्रंचीपन लाने के लिए, एकदम क्रिस्पीपन लाने के लिए अब इसमें एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन रखेंगे गैस। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन रख दिया है गैस पर हमने। इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे हम, मामूली सी हींग, राई डाल देंगे थोड़ी सी। राई डालने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही राई हमारी चटक जाएगी गैस को कर देंगे बंद और इसमें सफेद तिल ऐड कर देंगे हम। सफेद तिल डाल देंगे, इससे क्या है ना टेक्सचर एकदम बढ़िया हो जाएगा देखने में लुक, हमारे नाश्ता पकौड़े बहुत अच्छे लगेंगे इसके। अब हम तड़के को इसमें लगाएंगे, गरम गरम तड़का डालेंगे, गरम गरम तड़के को इसमें ऐड कर देंगे हम। इससे ना हमारा नाश्ता बहुत एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। इसमें हमने तड़के को लगा दिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तड़के को इसमें मिक्स करेंगे, हाथ से करेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसको हम। तड़के को हमने मिक्स कर दिया है, अब गैस पर रखते हैं कढ़ाई। तरीके से लेंगे
इस तरीके से थोड़ा चौड़ा करेंगे और इस तरीके से हम ऑयल में डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, अब इसमें हम इनको डालेंगे। इस तरीके से इनको हम डालेंगे तो ये बिल्कुल ना पकौड़ी की तरह लगेंगी हमें, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची लगेंगी। इस तरीके से हम इनको डालेंगे, इस तरीके से डालते जाएंगे, इस तरीके से इनको हमने डाल दिया है पकौड़ियों को। अब इसको हम हल्का ब्राउन होने तक, ब्राउन होने देख के बाद इसको पलटेंगे। गैस को हमें मीडियम रखना है और इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसको सेकेंगे। पकौड़ी हमारी एक तरफ से ब्राउन हो चुकी है, इसको पलट देंगे हम, इनको पलटेंगे हम इसी तरीके से। प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताएं। इस तरीके से हम पलट देंगे, हम सेक लेंगे इस तरीके से क्रंची होने तक। पलटते पलटते इसको हमें सेकना है इसी तरीके से। इनको उलटते पलटते हमने क्रंची होने तक पका लिया है, अब इसको हम निकालेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा गोल गोल करके डालना है इस तरीके से। हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए निकालेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है गाइस, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें। इस तरीके से हम निकालेंगे इसमें से, सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी हमारे पोहा के पकोड़े हैं बनके तैयार। देखा आपने किस अच्छे तरीके से पकोड़े बनाए हमने, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम क्रंचीपन जैसे हमने पकोड़े बनाए हैं। एक देखो, आपको आवाज से सुनाई दे रहा होगा, ऊपर से क्रंची अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इस तरीके से आप पोहे का नाश्ता बना करके चाय के साथ बरसात के टाइम पर सर्व कर सकते हो, एकदम क्रंची क्रंची बनेंगे। दही डाला है ना, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्वाद में, और इसमें जो हमने आलू डाला है ना उसका लच्छा एकदम एकदम बढ़िया, एकदम ऐसा लगता है स्वाद ही इसका हटके आता है इसका। आप इसी तरीके से पोहे का नाश्ता एक बार बनाकर जरूर देखें, इस तरीके से खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी बताना, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये जरूर बताना।